कांग्रेस ने अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लोगों ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने पर कांग्रेस की क्लास लगाई है। बता दें कि बुधवार को कांग्रेस ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस ने औपचारिक बयान जारी करते हुए बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी अयोध्या नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने इस भव्य आयोजन को भाजपा और आरएसएस का प्रोग्राम बताते हुए निमंत्रण ठुकरा दिया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई। नेटिजन सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेस नेता पर आक्रोश जाहिर कर रही है। सवित सिंह नाम के यूजर ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। एक यूजर ने लिखा, एक होता है पांव पर कुल्हाड़ी मारना और दूसरा होता है पांव ही कुल्हाड़ी पर मारना। दूसरे यूजर ने लिखा, पहले राम को काल्पनिक बताया, फिर राम मंदिर के खिलाफ अपना वकील खड़ा किए और आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ही ठोकर मार दिए और इन्हें वोट चाहिए सनातनी हिंदुओं का। एक और ने लिखा, राजनीति अपनी जगह है लेकिन राम मंदिर करोड़ों भारतीयों के आस्था का विषय है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण सोनिया गांधी जी एवं अन्य कांग्रेसी नेताओं द्वारा अस्वीकार करने से करोड़ों भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। इस शर्मनाक कृत्य के लिए कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। एक और भाई ने लिखा, ये लो कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता भी ठुकरा दिया है, हम अपने प्रभु का यह अपमान नहीं सह पाएंगे। इसी के साथ निर्णय कर लिया है कि जीवन में अब कभी भी कांग्रेस के ऐसे नेताओं के रहते तो वोट भूलकर भी नहीं देंगे। एक और भाई ने लिखा, कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे सभी ने ठुकराया, इसे बीजेपी आरएसएस की इवेंट कहा। एक बार फिर बीजेपी के ट्रेप में फंसी कांग्रेस बीजेपी को घर बैठे ही पूरे लोकसभा चुनाव का जबरदस्त मुद्दा दे दिया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को राम विरोधी बताया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी का राम विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है, इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने अदालत के समक्ष हलफनामा दायर किया था कि भगवान राम काल्पनिक है, उसके नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने बार बार सनातन धर्म का अपमान किया है, अब उनके नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसका जवाब पार्टी आलाकमान देंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।